नाम के एक ऐप से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी काफी छोटे स्तर से, और आज पूरे नेशनल लेवल पर इसको अंगीकृत करते हुए सॉयल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये खुशी की बात है कि हम लोग ने इसकी शुरुआत की। और जैसा कि पूर्व के वक्ता भी बता रहे थे, किस प्रकार ये जानना जरूरी नहीं है कि हमारी मिट्टी का स्वरूप खराब हो गया है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की मात्रा अधिक हो गई है, ऑर्गेनिक कार्बन की जो कंटेंट है वो घट गई है, बल्कि ये जानने के बाद कुछ उसमें हम लोगों को सुधारात्मक प्रयास हम लोग करने की आवश्यकता। अगर हमको पता चलता है कि हमको डायबिटीज हो गया है, तो हमको पता रहना चाहिए कि इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन हमको अब लेना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या और विकराल रूप धारण करती है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी में अगर हम लोग को पता चलता है कि किसी चीज़ की कमी है या उसमें अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो गई है, संतुलन कहीं ना कहीं खराब हो गया, तो उसको हम लोग सुधार के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं वो करने की आवश्यकता है। आज पूरे देश का फोकस जैविक खेती पर है, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है, क्योंकि धीरे धीरे जो जीवाश्म, मेरे पहले के वक्ता बता रहे थे कि किस प्रकार जीवाश्म एक चम्मच मिट्टी तक हमारे मानव सभ्यता की जितनी भी जनसंख्या उससे भी अधिक है, एक चम्मच मिट्टी, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से अगर रासायनिक खाद का उपयोग हम लोग करते हैं बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं है कि रासायनिक खाद में उपयोग कहना है कि संतुलन बना के रखना, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस चीज की मात्रा की कमी हो हम लोग उस चीज की मात्रा से इसको सप्लीमेंट करें, ना कि सब सारी जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं अपने ऊपर लाद लें। फर्टिलाइजर का अप्रत्याशित, आज कई राज्य हैं, उत्तर भारत के कई राज्य हैं जो विभिन्न फसलों में उत्पादन का काफी अच्छा शीर्ष पर है, लेकिन उसका एक मूल्य है जो कि पर्यावरण को चुकाना पड़ रहा है।